नमस्कार मित्रों, मैं आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल साइंस कार्ड पर। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ जो कक्षा दशम के छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसमें आज हम देखेंगे भोजन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज के परिवेश को लेकर के भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोगों को जानना चाहिए कि किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि भोजन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोजन और कार्य के आधार पर उसके प्रकार के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना, मतलब शरीर के जो रचना होती है, विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास होता है, वृद्धि होती है, टूट फूट की जो मरम्मत होती है, वृद्धि और विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा का उत्पादन एवं जैविक क्रियाओं का संचालन, जो हमारे आंतरिक क्रियाएं होती है शरीर के अंदर, उन सारी क्रियाओं का जो संचालन और नियमन नियंत्रण करता है उसमें वह भोजन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। और जो तत्व भी हम इस रूप में ग्रहण करते हैं जो हमारे इन सारी क्रियाओं में हमारी मदद करता है वो भोजन कहलाता है। तो भोजन किसी भी प्रकार से, भोजन ऐसा जो कि किसी भी तरह से हमारे शरीर के लिए हानिकारक ना हो, वैसे तत्व को ही हम भोजन में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से अगर भोजन के कार्य के आधार पर देखा जाए, भोजन का कोई एक कार्य होता नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भोजन हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को संपादन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भोजन के कार्य के आधार पर भोजन को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि भोजन सबसे पहला क्या होता है कि शरीर निर्माता भोजन, अर्थात बॉडी बिल्डिंग फूड इसको कहा जाता है। ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में मददगार होता है, ऐसे भोजन को हम लोग शरीर निर्माता भोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि प्रोटीन युक्त भोजन जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है, इस आधार पर हम दाल, मांस, मछली, अंडा इत्यादि को ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन रहता है जो हमारे शरीर के विकास और वृद्धि में सहायक होता है। दूसरे प्रकार का हो गया ऊर्जादायक भोजन, ऐसा भोजन जो हमें एनर्जी देता है, शरीर को ताकत देता है। जैसे इसमें ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा को, ये ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। जैसे हम लोग चावल को ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, दूध दूध या दूध से बना हुआ सामान ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, ये सारे चीजों को अगर हम लोग खाते हैं तो इसमें हमको कार्बोहाइड्रेट और वसा की प्राप्ति होती है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो भोजन है वो विनियंत्रक, विनियंत्रक का मतलब होता है रेगुलेटरी, जो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर को प्रदान करता है, वह जिसमें विटामिन और खनिज की प्रचुरता होती है। इस प्रकार का भोजन हमारे शरीर के लिए जो विभिन्न प्रकार के रोगों का रोगरोधी क्षमता होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। ये इसके लिए हम लोगों को हरे साग सब्जियों और फल इत्यादि खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर में रोगरोधी क्षमता का विकास होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से भोजन हमारे लिए उपयोगी होता है, किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए और कौन कौन सा कैटेगरीज है भोजन का जो हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी होता है। तो दोस्तों आज इतना ही, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा कुछ नया चीज लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।